जय हिंद फ्रेंड्स। ये सर, ये तो खैर इसका छोटा वर्जन है सर, आप चाहें तो इसका बड़ा वर्जन मंगा ले सर। सर क्या एक्सप्लेनेशन है सर स्वामी जी द्वारा। जबरदस्त, आप जिसका गीता पे तो बहुत लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, पर सर ये तो जबरदस्त है, ये तो बड़ा स्मॉल वर्जन मेरे पास है, आप इसका बड़ा वर्जन मंगवा सकते हैं सर स्वामी अड़गड़ानंद। और एक एक लाइन, एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन उस फॉर्मूले को, कौन सा फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला है ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन उसका, शास्त्रों में मैं व्रज हूं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परोसती है। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुता, सुनिए, सोचने वाली बात है, आप अकेले हैं। वस्तुता गो इंद्रियों को कहते हैं, गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया है, महावीर हो गया, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है, कभी सोचा आपने, जिसकी इंद्रियां, यही इंद्रियां जो बेहोशी में व्यक्ति को नरक को पहुंचाती हैं, नरक। इसीलिए तो स्वर्ग और नरक की अवधारणा बनी, यही इंद्रियां जो बेहोशी में व्यक्ति को नरक में पहुंचाती हैं, अगर जागरण से, ध्यान से इन इंद्रियों को जीत लिया जाए तो सारी इच्छा आपकी पूरा करेंगी और यही इंद्रियां कामधेनु बन जाएंगी। आप, ये मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो बेचारे भगोड़े हो गए, वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो मां बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई, बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे, बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे, बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ, बोले मुसीबत आ गई। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे। मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अगर राम के जीवन में जंगल को हटा दिया जाए, पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं, उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया, तैयार हैं। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा, करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें, तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा। हाँ बोली, बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल, अब आपने पढ़ लिया 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर IIT निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, KGM से मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया, IIT भी निकल गया। अब जब आप IIT से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया, आपके मोहल्ले का एक लड़का IAS हो गया, पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में BMW मिल गई, द
10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ, चंगेज खान तो मैं हूं। हां बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा हाँ, बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके आएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं रूप। कहीं भी संघर्ष खत्म, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन। मुझे कभी नहीं पता था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मुझे कभी नहीं पता ही नहीं था सर, लेकिन मैं रिस्क लेता रहा क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो, तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया, आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती हो? होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना। भाई तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, गांधी की बेइज्जती हुई उन्होंने मजा लिया भगवान बन गए, चाणक्य की बेइज्जती हुई मजा लिया भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर। इस दुनिया में, खासकर इस देश में, 95% लोग उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उनके हाथ में है ही नहीं। क्या? फल। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है, तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर ही नहीं, दो लोग निष्क्रिय हैं। जो कल के बारे में सोचते हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे पिताजी गवर्नर थे, रहे होंगे, बहुत लोगों के पिताजी गवर्नर थे, पूरी दुनिया हमारे फौजियों का लोहा मानती है सर, दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इसराइल कहता है सर, इसराइल कहता है कि अगर भारत की
थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। हमारे ही तो लोग हैं सर, हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर डटे हुए हैं सर। उन्हें चिंता नहीं किसी बात की सर। डेड बॉडीज आती हैं, माएं सलाम करती हैं सर, बेटियां सलाम करती हैं सर, बच्चे सलाम करते हैं। सबको शौक है सुपरस्टार बनने का, सबको सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है, चैलेंज नहीं चाहिए। तावीज बनवा दो भैया, लोग तावीज ढूंढ रहे हैं, तो तावीज वाले डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तावीज वाले भी बैठे। ये लो, वेल, तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे सब में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? सब अंबानी, मुकेश अंबानी, लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना पैसा है भैया, 8,000 करोड़ का तो उनका मकान है। ठीक है, दूसरा पक्ष भी तो देखो सर, 4 दिन सो जाएंगे ना बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे सर, यही तो जीवन है ना सर। कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। अगर आप आंख खोलें, और ज्यादातर अपने ही लोग हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, लेकिन आदमी को यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अपने कभी भी आपस के झगड़े में किसी तीसरी पार्टी को मत आने देना, वरना तुम चले जाओगे। यह सीख है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा, कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, ये सब जिंदा दिमाग है सर। मोदी होगा, इस 1,30,00,000,000 के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति। आप जाओ टिकट मांगो ना एमएलए का, कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती कार्यकर्ता के रूप में। टिकट मिलेगा जब उस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं तो आपको टिकट मिलेगा। जैसे कई सारी पार्टियां भी, उनके एक सीट भी नहीं निकलने का आसार है, उनसे आप टिकट मांग लो मिल जाएगा। जो विनिंग पार्टियां होती रेस में होती हैं उनसे आप मांग के देखो। भारत में जब किसी पार्टी का सितारा डूबा होता है तो आम लोगों को टिकट दे देते हैं, आओ तुम लड़ने के लिए कर, आओ लड़ लो जाओ। वो बेचारा 10-20 लाख रुपया रखा, वो भी लुटा दिया। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएगा और फिर स्टेटमेंट देंगे कि
कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई इस और रोएंगे सब, फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। जब दो आदमी का झगड़ा हो, समिया बीवी का झगड़ा है, तीसरे से पूछना ही नहीं, खुद ही बैठकर सॉल्व कर लो। दो दोस्तों का झगड़ा है, आपस में बैठो, जहां इंसान है वहां तो झगड़ा होगा सर, तीसरे को क्यों बुलाना? और जब तीसरे को बुलाओगे वो ताकतवर पक्ष की तरफ चला जाएगा और अपना फायदा कर लेगा।